मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 15 साल के नाबालिग लड़के ने 9 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस ने नाबालिग पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया है। ये दिल दहला देने वाली घटना कल्याण पश्चिम एसटी अगार से सटे एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हुआ है, जहां आज 9 साल के एक लड़की का शव बरामद किया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा करने के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई जिसके बाद आरोपी की पहचान की गई और इस नाबालिग आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। इस नाबालिग से जब पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि लड़की के पिता ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वही इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी डीसीपी सचिन गुंजाल ने दी है, आपको सुनाते हैं। आज सकाळी पहाटेच्या दरम्यान एमएफसी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये बस स्थानकाच्या परिसरामध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केलेली असल्याचा प्रकार निदर्शनास आलेला आहे। त्या संदर्भाने गुन्हा एमएफसी पोलीस स्टेशनला दाखल केलेला आहे आणि गुन्ह्याचा पुढील तपास सीनियर पीआय होनमाने हे करत आहेत। या गुन्ह्यातील संशयितास ताब्यात घेतलेले आहे, पुढील तपास चालू आहे, विचारपूस चालू आहे।